तो क्लास एट देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस कर रहे हैं। मल्टीप्लिक इनवर्स क्या होता है कि ए अपॉन बी का मल्टीप्लिक इनवर्स हो गया बी अपॉन ए। कि किसी नंबर का मान लीजिए 7 है, किसी नंबर में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिले, तो वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिक इनवर्स होंगे। यानी कि 7 में अगर मैं 1/7 का मल्टीप्लाई करूं तो मुझे डेफिनेटली 1 मिलेगा। तो 7 इज द मल्टीपल, तो 1/7 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7 एंड 7 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/7। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई रैशनल नंबर a अपॉन b है तो उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं, रेसिप्रोकल। ओके, तो ये आपका, तो आपने कुछ नहीं किया, सीधा सीधा ऐसा लिख दीजिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज, ठीक है, क्या हो जाएगा -13 का 1/-13। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे आप इसको। यस सर, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 विल बी 19/13 -19/13। देखिए इस माइनस साइन को ऊपर भी ले आ सकता हूँ ना, 1/13 1/-13 को -1/13 भी कह सकता हूँ मैं। अच्छा, थर्ड पार्ट में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 क्या हो जाएगा, आप खुद बता सकते हैं? 5, बिल्कुल सही। अच्छा, फोर्थ पार्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 × -2/5। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 × -2/5 यही है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, आप पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए। आप कहेंगे दैट इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ, इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -1 × -2 हो गया 2/5। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 × -2/5 विल बी 5/5। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ -1 × -2/5। तो आप क्या कहेंगे, -1 का मल्टीप्लीकेशन हो गया 1/-1, और -2/5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया -5/2। अब इतने झमेले में हम क्यों पड़े, इसको सॉल्व करें, इससे अच्छा हम ऐसे कर लेंगे तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आएगा, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, क्लियर है? फिर -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1, बताइए -1 ही होगा, है ना? देखिए 1/-1, फिर से -1 ही तो हुआ है ना। तो कोई ऐसे दो नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खुद के बराबर होता है, वो होते हैं 1 और -1। 1 और -1 ऐसे दो नंबर है, रैशनल नंबर है, जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो खुद ही है। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1, -1 का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, ये प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा पहले, किसी के पहले हम कर चुके थे डिस्कस, तो उन्हीं का यूज है। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तब आप मुझे देख के बता सकते हैं कि देखिए -4/5 × 1 = 1 × -4/5। तो ये किस प्रॉपर्टी को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। किसको दिखा रहा है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, या अच्छा, और कोई इसमें और कोई प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, बताइए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन।
है ना, ए इंटू बी कैन बी रिटन एज बी इंटू ए, किन्हीं दो नंबर्स को, दो रैशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, ये भी तो बता रहा है। अच्छा ये सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट किसको दिखा रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी दिखा रहा है ना। यस सर। देखिए अब क्या लिखा है सेकंड पार्ट, पढ़िए तो जरा, माइनस 13/17 इंटू माइनस 2/7 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 2/7 इंटू माइनस 13/17, ठीक है। अच्छा ये जो तीसरी वाली प्रॉपर्टी है माइनस 19/29 इंटू 29/19 इज इक्वल टू 1, तो आप खुद देखिए दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 मिल रहा है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था मल्टीप्लिकेटिव, बिल्कुल सही, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल वाला, ये एग्जांपल किसका है, रेसिप्रोकल का है ना, a अपॉन b इनटू b अपॉन a इज इक्वल टू 1, तो ये तो है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिखा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मल्टीप्लाई क्या लिखा है, मल्टीप्लाई 13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7/16, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं बेटा, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ देते हैं, क्योंकि तो क्या है मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7/16, मल्टीप्लाई 6/13 क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीप्लाई 6/13 विद रेसिप्रोकल ऑफ क्या था, माइनस 7/16 था, तो कुछ नहीं है इसको, आप पहले रेसिप्रोकल निकाल लीजिए, पहला काम क्या करिए, पहला काम ये करिए। अच्छा अनूप बोरा बताओ बेटा, अनूप बोरा हो बेटा यहाँ क्लास में, अनूप बोरा, वीरेंद्र, वीरेंद्र रेसिप्रोकल बताओ माइनस 7/16 का, माइनस 7/16 का रेसिप्रोकल बताओ, वीरेंद्र सिंह मेहरा, सौरभ सामंत, सौरभ सामंत कोई है ही नहीं, बेटा दीपा पुनेठा आवाज आ रही बेटा आपको, यस सर, अब आप बताइए फिर, ये लोग तो सो गए लग रहा है या योगा कर रहे हैं, बिल्कुल सही माइनस 16/7, बाकी लोग योगा कर रहे हैं, योगा लग रहा है, आवाज ही नहीं आ रही उन लोगों की, अब नाम पुकार रहा हूँ बोल नहीं रहे, देखो चलो कोई बात नहीं, 16/7, अब आप क्या करिए, हमने निकाल लिया माइनस 7/16 का रेसिप्रोकल ये है, ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 6/13 से, तो आप ऐसे लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6/13 इंटू माइनस 16/7, जब हम दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा माइनस 96/91, तो क्या आ जाएगा माइनस 96/91, आप यहाँ पे लिख दीजिए आंसर, बस इतना से तो करना है और थोड़ी कुछ करना है, तो प्रॉपर्टी की जानकारी है तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। मनस्वी प्रॉपर्टीज में कोई प्रॉब्लम है बेटा आपको, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है सर, बस थोड़ा अभी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो हो जाएगा। ओके okay, तो कुछ वीडियोस वगैरह का लिंक वगैरह मैं भेज दूंगा, ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि क्लास 7 में भी इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई है ना, तो किस दिन नेटवर्क अच्छा होगा तो उसमें उसको भी डिस्कस कर लेंगे एक बार, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अनु बुरा बेटा आवाज आ रही है आपको मेरे पास? आपको मेरी आवाज आ रही है अनु बुरा? यस सर। यस सर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बेटा स्क्रीन पे? यस सर। देखो इसमें देखो क्या लिखा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी, टेल व्हाट प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी दिखाता है, अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 × 6 × 4/3 एज 1/3 × 6 × 4/3, तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये? क्या कह रहा है ये 1/3 × 6 × देखो मैं इसको बड़ा सा लिख देता हूँ तो दिखाई देगा तुमको, 4/3 ठीक है, इसको हम 1/3 × 6 × 4/3 थोड़ा सा इसको मैं और एलोबरेट करता हूँ तो आप बता पाओगे। तीन रेशनल नंबर्स हैं, तीन रेशनल नंबर्स हैं −1/3, 6 और 4/3, उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक तरीका तो क्या था कि रेशनल नंबर जो दूसरा वाला रेशनल नंबर उसको तीसरे वाले से मल्टीप्लाई किया फिर उसको पहले से मल्टीप्लाई किया, या पहले वाले को दूसरे वाले रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया उसके बाद तीसरे से कर दिया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी दिखा रहा है? तीन रेशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो ये किस कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? अनुभोरा, अनुभोरा लगता है नेटवर्क से हट गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ध्यान आया? अनुभोरा, अनुभोरा बेटा ध्यान आया? अनुभोरा नेटवर्क से चला गया, चलो कोई नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग इस वीडियो की डाल देंगे क्लास की, ठीक है, अगर नेटवर्क मिला तो मुझे। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आप खुद ध्यान दीजिए ना, आपने प्रॉपर्टी में लिखा होगा a × b, इफ देयर आर थ्री रेशनल नंबर्स a, b, c, वी कैन मल्टीप्लाई, हाउ, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई द सेकंड एंड थर्ड रेशनल नंबर एंड देन मल्टीप्लाई दैट प्रोडक्ट टू द फर्स्ट वन, और वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड सेकंड रेशनल नंबर एंड देन वी मल्टीप्लाई थर्ड रेशनल नंबर टू दैट, तो ये प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, इज 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ −1/8, क्या है क्वेश्चन? इज 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ −1/8, क्या था −1/8 −1/8 ठीक है। तो अब आप बताने से पहले क्या करेंगे, पहले आप −1/8 को क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा −1/8 क्या हो जाएगा डी पावर, बेटा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अच्छा भूमिका पोखरिया है क्लास में? अच्छा भूमिका पोखरिया बताइए −1/8 को सॉल्व करके क्या आ जाएगा? −9/8। अब आप देखिए क्या −8/9 −9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो सकता है? तो आप कहोगे नो, क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज बिकॉज 8/9 एंड 9 −9/8 when multiplied does not give 1,
does not give 1, क्योंकि 8 upon 9 और minus 9 upon 8 को आप multiply करके देखेंगे तो minus का 1 आएगा। हमारे पर definition क्या है कि अगर कोई multiplication inverse किसी number का rational number का निकालना है तो दोनों का multiplication क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, जबकि यहाँ तो minus 1 आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे no। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, क्लियर है सभी को बेटा? यस सर। ओके बेटा, 9th पार्ट देखिए, 9th क्वेश्चन देखिए। इज 0.3 मल्टीप्लाइड टू इनवर्स ऑफ 3 कंप्लीट 1/3? 0.3 है और एक है 3 कंप्लीट 1/3। ठीक है, 0.3 का मतलब क्या हुआ, 3/10 हुआ डेसिमल को हटा के, है ना। 3 कंप्लीट 1/3 का मतलब क्या हुआ, 3 3 9 प्लस 1 10, 10/3। अब आप देखिए, नाउ 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 10/3 गिव्स अस 1, तो कहेंगे यस 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 कंप्लीट 1/3। ठीक है, क्लियर है सभी को? बोलते ही नहीं है बच्चे, भाई क्या बात है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 विंडो, अभी स्क्रीन शेयर नहीं की थी बेटा हमने, अब दिख रही है? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है? जीरो। बिल्कुल सही, जीरो है ना, जीरो ही तो होगा। जीरो है ना, जीरो का रेसिप्रोकल, आप किसी नंबर को रेसिप्रोकल करके देखेंगे, जीरो को रेसिप्रोकल करके देखेंगे, 1/0 तो डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। किसी नंबर, अगर मान लीजिए किसी नंबर का रेसिप्रोकल निकालना हो तो 1/1 कर देते हैं, तो जीरो का रेसिप्रोकल अगर निकालना होता है 1/0 करते, अब 1/0 तो ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। तो रैशनल नंबर जीरो एक ऐसा है जिसमें कोई रेसिप्रोकल नहीं है। रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल्स, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, 1 और माइनस 1, है ना। बिल्कुल सही, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव जीरो, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है ना। अच्छा, फिर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, द नंबर्स 1 एंड माइनस 1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 5 विल बी इसका रेसिप्रोकल निकालना तो 1/1/x हो जाएगा, तो ये वाला पलट के ऊपर x ही रह गया, है ना। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, दो रेशनल नंबर्स को ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, मल्टीप्लाई करिए, तो आपको क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है। डिवीजन जो है रेसिप्रोकल, डिवीजन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को अप्लाई नहीं होता है, खासकर कि जब जब एक रेशनल नंबर जीरो हो। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव। अभी हमने थोड़ी देर पहले करके देखा था एक एग्जाम्पल, 8/9 और माइनस 9/8, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं थे, क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर माइनस 1 नहीं आ रहा था, है ना। तो अगर कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा, अगर कोई नेगेटिव होता, मान लीजिए एक नेगेटिव होता, तो उसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव होता, तभी 1 आता। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर 9, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑफ नंबर 9 हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, यस सर। आपका दिन शुभ हो।